जेम्स वॉल्टर जेम्स वॉल्टर वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस थियरी। बहुत ही सिंपल थियरी, बहुत ही सिंपल थियरी, एक ही एस्पेक्ट पे बेस्ड है। एंड दैट एस्पेक्ट इज कि अगर हम डिविडेंड का पैसा, बाय डिविडेंड मतलब रिटेन्ड अर्निंग का पैसा जो हम शेयर होल्डर को बांटना चाहते हैं, अगर उस पैसे से, बच्चों ध्यान से सुनोगे, एक लाइन की थियरी है, अगर उस पैसे से कंपनी खुद ज्यादा रिटर्न कमा सके जितना कि शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है, मतलब शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है मान लो 12% का, और कंपनी वो पैसा रख के अगर 17% कमा सके तो कंपनी को वो पैसा अपने पास रख लेना चाहिए, शेयर होल्डर को देने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इट्स अ फाइट बिटवीन कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? इस दोनों की फाइट है। अगर कंपनी को इस बात का भरोसा है कि हम बेहतर कमा पाएंगे जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, शेयर होल्डर उस पैसा से जितना कमाएगा, हम अगर शेयर होल्डर को वो पैसा दे देंगे तो वो जितना कमाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर कंपनी ज्यादा कमाएगी तो कंपनी को पैसा अपने पास रख लेना चाहिए, और अगर कंपनी उस पैसा को आइडल रखने वाली है तो दे देना चाहिए, बिकॉज फिर तो कंपनी तो कुछ कमाएगी नहीं, शेयर होल्डर को ही दे तो कम से कम वही कुछ कमा लेगा, नहीं समझे? तो ये सिंपल सा फंडा है कि इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंशन, देयर इज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विच यू एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल अर्न मोर देन व्हाट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट, देन इट्स बेटर द कंपनी शुड रिटेन, शुड नॉट पे डिविडेंड्स, या शुड पे एज लेस डिविडेंड एज पॉसिबल।